हमारे साथ बाजार के दिग्गज एडलवाइस सिक्योरिटीज के प्रेसिडेंट विकास खेमानी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विकास, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हफ्ते दो हफ्ते आप काफी अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में घूम कर आए, काफी एफआईआई से मिलकर आए, क्या वजह है, इतना पैसा क्यों आ रहा है हिंदुस्तान में, अचानक से क्या बदल गया? आई थिंक एक तो ये काफ़ी जो करेक्शन आया था, काफ़ी नेगेटिविटी बिल्ड हो गई थी, और जो एक नया चेंज हुआ है तो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है कि शायद जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं कुछ आके ठोस कदम उठाएंगे, जिसकी वजह से एक आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी ईजी करने का माहौल बनेगा। एक एक्सपेक्टेशन बन रही है कि डीजल प्राइस बढ़ेंगे, एक एक्सपेक्टेशन बन रही है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश की जाएगी एंड इन्वेस्टमेंट को इम्पेटस दिया जाएगा, एंड वो अगर होता है तो आई थिंक काफ़ी अच्छा होगा। सो एक मार्केट अभी आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से मार्केट में फ्लोज नहीं थे, सारे इन्वेस्टर्स अंडरवेट थे मार्केट में, कुछ इन्वेस्टर्स शॉर्ट्स भी थे, तो आई थिंक ये जो हमने देखा है काफ़ी थोड़ा शॉर्ट कटिंग हुआ है, थोड़ा कुछ इन्वेस्टर अंडरवेट से थोड़ा वेट बढ़ाया है, उसका उसकी वजह से ये इन्फ्लो आते हुए दिखा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक भारतीय बाजारों की तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू इन्वेस्टर्स का बन गया है, बट आई थिंक इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द चेंज आई थिंक थोड़ा पैसा आया है। तो विकास, क्या आपको ये लगता है कि अगले तीन चार हफ्ते अगर सरकार की तरफ से एक्शन बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि सिर्फ एक्शन होगा इस उम्मीद में इतना पैसा आ गया और इतना बाजार चढ़ गए, अगर ऐसा ना हो तो क्या अपसाइड लिमिटेड हो सकती है, और यदि हाँ तो आप कितना और ऊपर तक बाजार को जाते देखते हैं और उसके ऊपर की तेजी मुश्किल नजर आती है? जी बिल्कुल, आई थिंक अगर कोई फॉलो थ्रू एक्शन नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कोई कंफर्टिंग चीज़ें नहीं आती है जिससे कि इन्फ्लेशन कम आती हुई नज़र आए और इन्वेस्टमेंट को इम्पेटस होता हुआ नज़र आए या फिर मॉनेटरी रेट्स को कम करने का माहौल बने, तो मुझे लगता है इधर काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट होगा और एक इंडेक्स है जो 5500 के आसपास की निफ्टी की लेवल पर जाके हो सकता है शायद कैप हो जाए। लेवल कहना बिल्कुल कोई भी इस तरह में मुश्किल है, बिकॉज मार्केट्स अभी ओवरसोल्ड हैं, थोड़ा बहुत पैसा आके भी आपने देखा है कि इस तरह से मार्केट पर इंपैक्ट हो सकता है। सो आई थिंक रैली कैन गेट एक्सटेंडेड ऑल्सो, बट आई थिंक इट विल बी क्लियरली डिपेंडेंट ऑन व्हाट काइंड ऑफ फॉलो थ्रू एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। विकास, हमने यहाँ पर क्लियरली देखा है जो एफआईआई की ओर से पैसा आया है, उन्होंने क्लियर किया है कि एविएशन एक पॉकेट है जहां पर उनको पोजीशंस, जहां पर उन्होंने पोजीशंस ली है, और कौन से सेक्टर्स है जहां पर आपने नोटिस किया एफआईआई ने ड्रास्टिकली अपनी पोजीशंस बढ़ाई हैं इस दौरान? जी, एक तो आई थिंक ETF का पैसा काफ़ी आया है ये महीने में, तो जैसा देखेंगे ETF का पैसा इंडेक्स लेवल पे आया, तो आई थिंक इंडेक्स लेवल पे ही एक काफ़ी हद तक इन्फ्लो आते हुए दिखा है। दूसरा आप देखेंगे तो ज़्यादा पैसा लार्ज कैप्स में आया है, बैंकिंग सेक्टर में आया है, सम ऑफ द सेक्टर जो कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है और उस सेक्टर्स में ज़्यादा आते हुए दिखाई दिया है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एंड इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ज़्यादा रहे हैं, जिसका अगर सपोज ये माहौल बदलता है तो उनका इम्पैक्ट उन पर ज़्यादा होगा। विकास, एक और स्टॉक जो आपका पसंदीदा भी रहा है और आपने पहले कहा भी था कि इस स्टॉक में काफी वैल्यू है, और वो वैल्यू पिछले दो दिनों से तीन दिनों से बाजार को नजर आई है, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जिस तरह से स्टॉक में जबरदस्त उछाल आया है, क्या कुछ बदल रहा है, और क्या आपको लगता है कि अब रिलायंस में आपको फिर से वो पोटेंशियल नजर आ रहा है कि वो बाजार की तेजी को लीड कर सके? इसमें एनिली काफ़ी सेक्टर्स का कॉन्फ्लुएंस हुआ है, जैसा कि आप देखेंगे तो एक तो हमने एक एनालिसिस रिपोर्ट भी निकाली है रिसेंटली इस पर, जिसमें ये कहा गया है कि जो आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रिफाइनरी एज वेल एज पेट्रोकेमिकल बिजनेस देखेंगे तो वो अभी के उसके एंटरप्राइज वैल्यू के इक्वलेंट है। बाकी जो आप अगर एक्सप्लोरेशन बिजनेस और गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस हुआ और अदर उसके वेंचर्स टेलीकॉम रिटेल में है, उनका सबका कोई भी वैल्यू फैक्टर्ड इन आज के वैल्यूएशन में नहीं है। सो जो उनकी अपसाइड होगी उधर से आएगी। दूसरा आप देखेंगे तो आई थिंक रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी उनको परमिशन दिया है केपेक्स करने का, आई थिंक सो जो एक कंप्लीट एक्सप्लोरेशन साइड में एक इम्पैसिव जैसा हो गया था वो एक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आई थिंक दूसरा है रिफाइनिंग मार्जिन्स और पेटकेम मार्जिन्स के अंदर भी एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, दूसरे काफ़ी देशों में पेटकेम और रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ थोड़ी कम हो रही है या बंद हो रही है, तो उसकी वजह से उधर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ये तो तीन चार फैक्टर है, और दूसरे एंड सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस में आप देखेंगे तो उन्होंने हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा बाईबैक किया है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है मैनेजमेंट की तरफ से कि दे ऑल्सो सी द वैल्यू इन द कंपनी। सो ये जो तीन चार पाँच फैक्टर्स का कॉन्फ्लुएंस हुआ है उससे एक स्टॉक में चाल बनी है, सुधार आया है। हमें लगता है कि यहाँ से इंडेक्स इसको भी आउट परफॉर्म करेगा अगले 6 to 12 मंथ्स के टाइम में। और दूसरी बात यह है कि रिलायंस बहुत ही अंडर ओन स्टॉक्स है, आप कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जाके देखेंगे तो इसके इंडेक्स के वेट से बहुत ही कम मात्रा में इसको होल्ड करते हैं, तो अगर स्टॉक्स में थोड़ा मूवमेंट आता है तो ये इन्वेस्टर्स भी आके थोड़ा उनको
फंडामेंटल में सुधार होता है तो उनको आके खरीदना पड़ेगा बाजार से, जो भी एक उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। तो हमारा इस पर अभी काफी कन्विक्शन है, यहाँ से हमको लगता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। विकास, एक जो स्पेस है जहां पर अब हम देख रहे हैं काफी ज्यादा कंटेंशन उभर कर आ रहा है वो है टेलीकॉम। जिस तरह की एक तो रिजर्व प्राइसिंग निकल कर आई है, भले ही थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है प्रीवियसली डिस्क्लोज प्राइस में, लेकिन कंपनियों पर वैसे भी काफी ज्यादा प्रेशर आने वाला है इस प्राइस को लेकर। आइडिया के एक तिमाही नतीजे खराब रहे, भारती का आज जो परफॉर्मेंस आया वहां पर भी हमने देखा है मुनाफे पर प्रेशर है, अफ्रीकन बिजनेस लॉस में है, इस सेक्टर की आगे की स्थिति कैसी रहेगी और यहां पर इस समय अगर कोई पैसे लगा रहा है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप सुझाएंगे आगे? जी, इसके अंदर जैसे कि हमारा रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा डिटेल रिपोर्ट आया था भारती के ऊपर, जिसमें हमने यही कहा है कि सेक्टर में शॉर्ट टर्म थोड़े डिस्टोर्शंस हैं, शॉर्ट टर्म पेन है बिकॉज ऑफ 2G ऑक्शन, लॉट ऑफ ओवरहैंग, बट अगर आप इस सेक्टर के अगर थोड़ा लंबा नज़रिया रखें, 2 से 3 साल का नज़रिया रखें, तो क्या है कि एक इफेक्टिवली ये कंज्यूमर जैसा स्टॉक है जिसके अंदर डिमांड साइड कोई इशू नहीं है, बिजनेस कंटिन्यूटी रहेगी। एंड भारती के अंदर हमें लगता है कि इस शॉर्ट टर्म डिस्ट्रक्शन को आप अगर साइड में रखें तो एक काफ़ी कैश फ्लो पॉजिटिव सिचुएशन उभरती हुई रहेगी अगले 2-3 सालों में, और वो जो है जैसे ये रेगुलेटरी अनसर्टेंटी पूरी होगी, इस अनसर्टेंटी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है वो सबसे ज़्यादा काम आएगी, जो कि भारती की है। तो हमें लगता है कि भारतीय स्टॉक इस सेक्टर के अंदर काफ़ी आउट परफॉर्म करेगा, और अगर आप 2 से 3 साल का नज़रिया रखते हैं तो यहाँ से काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न भी दे सकता है। विकास, दो बातों पर आपसे जवाब चाहूँगा। पहला तो ये कि जिस तरह का फंड फ्लो, जिस तरह से FIIs की खरीदारी हो रही है, क्या ये मानकर चलें कि 5200 के नीचे जाना निफ्टी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, और कुछ भी ग्लोबल मार्केट्स में खराबी हो या फिर इंडियन मार्केट्स में खराबी हो तो डाउनसाइड रिस्क कितनी है इस वक्त बाजार में जब हम 5350-5400 की रेंज में है? और दूसरी बात है कि एक तरफ जहां आज CTE CLSA जैसे बड़े दिग्गज FIIs हैं जो रिपोर्ट दे रहे हैं कि GDP के डाउनग्रेड किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ 800-800 हजार करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा रोज आ रहा है, तो बड़ा कन्फ्यूजन है, जहां मैक्रो को लेकर वो बुलिश नहीं है लेकिन पैसा बाजार में लगाए जा रहे हैं, तो कैसे समझा जाए इसे? जैसा आप देखेंगे तो इक्विटी मार्केट जनरली रिएक्ट्स अहेड ऑफ द एक्चुअल इवेंट, सो करेंटली जो एक जिस तरह का माहौल बन रहा है ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी ईज करने का एक सिग्नल करता है कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग दैट। नाउ फॉर ऑल इट माइट नॉट हैपन, पर जनरली इक्विटी मार्केट्स टेंड टू परफॉर्म अहेड ऑफ द इवेंट एंड दे इंडिकेट लॉट ऑफ व्हाट कैन हैपन पॉसिबली। सो यहाँ पे जो ये जो पैसा आ रहा है वो ये लग रहा है कि ये बेसिकली दर्शाता है कि शायद यहाँ से एक इम्प्रूवमेंट होगा। उस चीज को एक एक्सपेक्टेशन कर रहा है। जहां तक आई थिंक डाउनसाइड के सवाल है, आप देखिए भारतीय बाजारों में पिछले 8 से 10 महीनों में सबसे आई थिंक इंटरनेशनल काउंट पे, डोमेस्टिक काउंट पे, हर चीज पे, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट्स पे, हर चीज में एक नेगेटिव माहौल बना हुआ था। उस नेगेटिव माहौल के बावजूद भी इंडेक्स आई थिंक 4700-4800 लेवल डिसाइसिवली तोड़ा नहीं, तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि उससे ज़्यादा नीचे जाने की कोई संभावना है, क्योंकि यहाँ से सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा खराब होती हुई नजर आती नहीं। हो सकता है इंप्रूवमेंट नहीं हो इफ गवर्नमेंट डजंट डू एनीथिंग, बट आई थिंक सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ वरी फैक्टर्स लाइक ड्राउट, लाइक इन्फ्लेशन डजंट कम अंडर, इंटरनेशनली फूड प्राइसेस आर गोइंग अप, सो ये सब जो मैक्रो वरीसम फैक्टर उनको लगते हैं, मुझे लगता है कि बाजारों में एक बहुत ऊपर का तेजी का माहौल बहुत जल्दी से नहीं बनेगा, क्योंकि काफी फैक्टर्स अभी भी सरकार के कंट्रोल में भी नहीं है। सो आई थिंक वो सब देखना पड़ेगा। तो मुझे मार्केट में एक बहुत ज्यादा बुलिश सेंटीमेंट बनते हुए नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि 5500-5600 के रेंज पे आके मार्केट करेक्शन करना। और ऐसे में आप क्या खरीदेंगे, FMCG या फिर फार्मा जैसे डिफेंसिव या फिर रेट सेंसिटिव जैसे एग्रेसिव स्टॉक सेक्टर्स? जी आई थिंक अभी हमारे ये लेवल पे आके मार्केट एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन पे है। आई थिंक FMCG वगैरह तो मुझे लगता है कि काफ़ी ओवररेटेड है, यहाँ से खरीदारी बनने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मुझे लगता है यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट का शायद माहौल बन जाएगा, बट अगर और मुझे लगता है FMCG स्टॉक से इन्वेस्ट करने के बजाय कैश पे बैठे रहो तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ से खरीदारी का एक मौका मिलेगा जब भी मार्केट कभी करेक्ट होता है। आई थिंक टू सम एक्सटेंट बैंकिंग सेक्टर पे हम लोग पॉजिटिव, IT सेक्टर पे वी कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव बिकॉज वहाँ पे हमको लगता है कि करेंसी वीक रहेगी तो उसका फायदा बनते हुए रहेगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर पे हम लोग काफ़ी पॉजिटिव है, जैसे कि रिलायंस बहुत बड़ा वेट है, हमको लगता है वहाँ पे एक अपसाइड मोमेंट बना जा सकता है। एंड प्लस स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप काफ़ी आइडियाज है, मिड कैप्स के अंदर काफ़ी आइडियाज है जहाँ पे स्टॉक्स आर एट रीजनेबल वैल्यूएशन एंड 15-20% ग्रोथ अर्निंग्स एंड टॉप लाइन में दिखाई दे रही है। तो आई थिंक उस तरह का एक स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। शुक्रिया विकास आपका CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकाल कर अपनी राय देने के लिए, लेकिन फोकस करेंगे इंडिया बुल्स ग्रुप पर।
और यहाँ पर वेरिटास, ये एक जो रिसर्च हाउस है उसकी तरफ से रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है कि इंडिया बुल्स ग्रुप के सारे शेयरों को बेच दिया जाए।